अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट कंपेयर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ज़हीर खान, ब्रेटली और शेब अख्तर का टेस्ट ओडीआई और T20 क्रिकेट में बॉलिंग कंपैरिजन करेंगे। आपको जिस गेंदबाज का बॉलिंग रिकॉर्ड ज़्यादा पसंद आए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन बिटवीन ज़हीर खान, ब्रेटली एंड शुएब अख्तर। ज़हीर खान 1978 को इंडिया में पैदा हुए, ब्रेटली 1976 को ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए, जबकि शुएब अख्तर 1975 को पाकिस्तान में पैदा हुए। ज़हीर खान की उम्र 43 साल और हाइट है 5 फुट 11 इंच। ब्रेटली की उम्र 45 साल और हाइट है 6 फुट 2 इंच, जबकि शुएब अख्तर की उम्र 46 साल और हाइट है 6 फुट। ज़हीर खान का वेट है 78 kg, ब्रेटली का वेट है 90 kg, जबकि शुएब अख्तर का वेट है 80 kg। ज़हीर खान लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर थे, ब्रेटली राइट हैंड फास्ट बॉलर थे, जबकि शुएब अख्तर भी राइट हैंड फास्ट बॉलर थे। ज़हीर खान राइट हैंड बैट्समैन थे, ब्रेटली राइट हैंड बैट्समैन थे, जबकि शुएब अख्तर भी राइट हैंड बैट्समैन थे। ज़हीर खान ने सन 2000 में इंटरनेशनल डेब्यू किया, ब्रेटली ने 1999 में इंटरनेशनल डेब्यू किया, जबकि शुएब अख्तर ने 1997 में इंटरनेशनल डेब्यू किया। ज़हीर खान ने 14 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, ब्रेटली ने 13 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, जबकि शुएब अख्तर ने 14 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेली। टेस्ट बॉलिंग कंपैरिजन। ज़हीर खान ने टोटल 92 टेस्ट मैच खेले, ब्रेटली ने टोटल 76 टेस्ट मैच खेले, जबकि शुएब अख्तर ने टोटल 46 टेस्ट मैच खेले। ज़हीर खान ने 165 बारी खेलकर 3130 ओवर बॉलिंग करवाई, ब्रेटली ने 150 बारी खेलकर 2755 ओवर बॉलिंग करवाई, जबकि शुएब अख्तर ने 82 बारी खेलकर 1357 ओवर बॉलिंग करवाई। टेस्ट क्रिकेट में ज़हीर खान की बॉलिंग एवरेज है 32.95, ब्रेटली की बॉलिंग एवरेज है 30.81, जबकि शुएब अख्तर की बॉलिंग एवरेज है 25.69। ज़हीर खान की बॉलिंग अकानवी है 3.27, ब्रेटली की बॉलिंग अकानवी है 3.46, जबकि शुएब अख्तर की बॉलिंग अकानवी है 3.37। टेस्ट क्रिकेट में ज़हीर खान ने 311 विकेट हासिल किए, ब्रेटली ने 310 विकेट हासिल किए, जबकि शुएब अख्तर ने 178 विकेट हासिल किए। ज़हीर खान का बेस्ट बॉलिंग फिगर है 87 रन के इवज 7 विकेट, ब्रेटली का बेस्ट बॉलिंग फिगर है 30 रन के इवज 5 विकेट, जबकि शुएब अख्तर का बेस्ट बॉलिंग फिगर है 11 रन के इवज 6 विकेट। ज़हीर खान ने 11 बार 5 विकेट हासिल किए, ब्रेटली ने 10 बार 5 विकेट हासिल किए, जबकि शुएब अख्तर ने 12 बार 5 विकेट हासिल किए। टेस्ट क्रिकेट में ज़हीर खान ने 5 बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया, ब्रेटली ने 4 बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया, जबकि शुएब अख्तर ने 3 बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया। ओडीआई बॉलिंग कंपैरिजन। ज़हीर खान ने टोटल 200 ओडीआई मैच खेले, ब्रेटली ने टोटल 221 ओडीआई मैच खेले, जबकि शुएब अख्तर ने टोटल 163 ओडीआई मैच खेले। ज़हीर खान ने 197 बारी खेलकर 1682 ओवर बॉलिंग करवाई, ब्रेटली ने 217 बारी खेलकर 1864 ओवर बॉलिंग करवाई, जबकि शुएब अख्तर ने 162 बारी खेलकर 1294 ओवर बॉलिंग करवाई। ओडीआई क्रिकेट में ज़हीर खान की बॉलिंग एवरेज है 29.43, ब्रेटली की बॉलिंग एवरेज है 23.36, जबकि शुएब अख्तर की बॉलिंग एवरेज है 24.97। ज़हीर खान की बॉलिंग अकानवी है 4.93, ब्रेटली की बॉलिंग अकानवी है 4.76, जबकि शुएब अख्तर की बॉलिंग अकानवी है 4.75। ओडीआई क्रिकेट में ज़हीर खान ने 282 विकेट हासिल किए, ब्रेटली ने 380 विकेट हासिल किए, जबकि शुएब अख्तर ने 247 विकेट हासिल किए। ज़हीर खान का बेस्ट बॉलिंग फिगर है 42 रन के इवज 5 विकेट, ब्रेटली का बेस्ट बॉलिंग फिगर है 22 रन के इवज 5 विकेट, जबकि शुएब अख्तर का बेस्ट बॉलिंग फिगर है 16 रन के इवज 6 विकेट। ज़हीर खान ने 1 बार 5 विकेट हासिल किए, ब्रेटली ने 9 बार 5 विकेट हासिल किए, जबकि शुएब अख्तर ने 4 बार 5 विकेट हासिल किए। ओडीआई क्रिकेट में ज़हीर खान ने 6 बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया, ब्रेटली ने 15 बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया, जबकि शुएब अख्तर ने 8 बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया। T20 बॉलिंग कंपैरिजन। ज़हीर खान ने टोटल 17 T20 मैच खेले,
ब्रैटली ने टोटल 25 T20 मैच खेले, जबकि शेब अख्तर ने टोटल 15 T20 मैच खेले। जहीर खान ने 17 बारी खेलकर 58 ओवर बॉलिंग करवाई, ब्रैटली ने 25 बारी खेलकर 90 ओवर बॉलिंग करवाई, जबकि शेब अख्तर ने 15 बारी खेलकर 53 ओवर बॉलिंग करवाई। T20 क्रिकेट में जहीर खान की बॉलिंग एवरेज है 26.35, ब्रैटली की बॉलिंग एवरेज है 25.50, जबकि शेब अख्तर की बॉलिंग एवरेज है 22.73। जहीर खान की बॉलिंग कार भी है 7.63, ब्रैटली की बॉलिंग कार भी है 7.86, जबकि शेब अख्तर की बॉलिंग कार भी है 8.15। T20 क्रिकेट में जहीर खान ने 17 विकेट हासिल किए, ब्रैटली ने 28 विकेट हासिल किए, जबकि शेब अख्तर ने 19 विकेट हासिल किए। जहीर खान का बेस्ट बॉलिंग फिगर है 19 रन के वह 4 विकेट, ब्रैटली का बेस्ट बॉलिंग फिगर है 23 रन के वह 3 विकेट, जबकि शेब अख्तर का बेस्ट बॉलिंग फिगर है 38 रन के वह 3 विकेट। जहीर खान ने एक बार 3 विकेट हासिल किए, ब्रैटली ने 3 बार 3 विकेट हासिल किए, जबकि शेब अख्तर ने एक बार 3 विकेट हासिल किए। T20 क्रिकेट में जहीर खान ने एक बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया, ब्रैटली ने एक बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया, जबकि शेब अख्तर 0। अब हम इन तीनों गेंदबाजों का टेस्ट ODI और T20 क्रिकेट में एक साथ बॉलिंग कंपैरिजन करेंगे। जैसा कि जहीर खान ने टोटल 309 इंटरनेशनल मैच खेले, ब्रैटली ने टोटल 322 इंटरनेशनल मैच खेले, जबकि शेब अख्तर ने टोटल 224 इंटरनेशनल मैच खेले। जहीर खान ने 379 बारी खेलकर 4872 ओवर बॉलिंग करवाई, ब्रैटली ने 392 बारी खेलकर 4710 ओवर बॉलिंग करवाई, जबकि शेब अख्तर ने 259 बारी खेलकर 2704 ओवर बॉलिंग करवाई। ओवरऑल जहीर खान की बॉलिंग एवरेज है 31.14, ब्रैटली की बॉलिंग एवरेज है 26.67, जबकि शेब अख्तर की बॉलिंग एवरेज है 25.17। जहीर खान की बॉलिंग कार भी है 3.90, ब्रैटली की बॉलिंग कार भी है 4.06, जबकि शेब अख्तर की बॉलिंग कार भी है 4.13। इंटरनेशनल क्रिकेट में जहीर खान ने टोटल 610 विकेट हासिल किए, ब्रैटली ने टोटल 718 विकेट हासिल किए, जबकि शेब अख्तर ने टोटल 444 विकेट हासिल किए। जहीर खान का बेस्ट बॉलिंग फिगर है 87 रन के वह 7 विकेट, ब्रैटली का बेस्ट बॉलिंग फिगर है 22 रन के वह 5 विकेट, जबकि शेब अख्तर का बेस्ट बॉलिंग फिगर है 11 रन के वह 6 विकेट। ओवरऑल जहीर खान ने 12 बार 5 विकेट हासिल किए, ब्रैटली ने 19 बार 5 विकेट हासिल किए, जबकि शेब अख्तर ने 16 बार 5 विकेट हासिल किए। इंटरनेशनल क्रिकेट में ओवरऑल जहीर खान ने 12 बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया, ब्रैटली ने 20 बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया, जबकि शेब अख्तर ने 11 बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।